आइए दोस्तों सुनते हैं एक सुंदर कहानी, विश्वासघात की सजा। बहुत वर्ष पहले लखनपुर नाम के राज्य में भीमा नाम का राजा राज्य करता था। राजा बहुत महत्वाकांक्षी था और अपनी प्रजा से बहुत प्यार करता था। उसके राज्य में चारों ओर खुशहाली थी, प्रजा हर प्रकार से सुखी और संपन्न थी। लेकिन फिर भी राजा रानी हमेशा दुखी रहते थे, कारण उनकी कोई संतान ना थी। संतान सुख पाने के लिए राजा रानी ने पूजा पाठ, जप तीर्थ इत्यादि सब कुछ किया, लेकिन कोई लाभ ना पहुंचा। एक दिन हिमालय की चोटी से एक महर्षि उसी राज्य में पधारे। वह महर्षि बहुत ही पहुंचे सिद्ध महात्मा थे। राजा ने उस महर्षि को अपने महल में आमंत्रित किया और महर्षि का उचित आदर सत्कार किया। भोजन इत्यादि करवाने के पश्चात राजा ने महर्षि को अपना दुख बताया। राजा का दुख सुनकर महर्षि ने राजा को एक महायज्ञ करवाने की सलाह दी। राजा ने उसी समय एक महायज्ञ का आयोजन किया। यज्ञ और भगवान के प्रताप से राजा के यहाँ कुछ समय के बाद एक सुंदर कन्या ने जन्म लिया। राजा रानी के साथ पूरी प्रजा खुशी से झूमने लगी। राज्य में चारों ओर खुशी का माहौल छा गया। राजा ने पूरे नगर वासियों को पिता बनने की खुशी में भोज पर आमंत्रित किया। समय का पंछी इसी तरह उड़ने लगा और देखते ही देखते राजकुमारी बड़ी हो गई। राजकुमारी देखने में काफी सुंदर और गुणवान थी। राजा रानी राजकुमारी को देख देख कर खुश रहते थे, लेकिन एक दिन उनकी खुशी को मानो किसी की नजर लग गई। धीरे धीरे राजकुमारी की तबीयत खराब रहने लगी और एक दिन ऐसा भी आया जब वह गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। दूर दूर से बड़े बड़े वैद्य नीम हकीम राजकुमारी के इलाज के लिए बुलाए गए। तंत्र मंत्र झाड़ फूक पूजा पाठ सब किया गया, लेकिन कोई लाभ ना हुआ। दिन प्रतिदिन राजकुमारी की हालत बिगड़ती जा रही थी। कोई भी दवा राजकुमारी पर असर ही नहीं कर रही थी। राजकुमारी की यह हालत देखकर राजा रानी पूरी तरह से टूट गए। उन्हें लगने लगा था कि वे एक बार फिर से निसंतान हो जाएंगे। अब तो चारों तरफ से हताश राजा ने पूरे राज्य में यह घोषणा करवा दी कि जो भी व्यक्ति राजकुमारी को स्वस्थ कर देगा उसे मुंह मांगा इनाम दिया जाएगा। इस घोषणा को सुनकर दूर दूर से कई नीम हकीम राजकुमारी का इलाज करने आए, लेकिन थक हार कर वे निराश होकर वहाँ से चले गए। अब तो राजा भी हिम्मत हार चुका था। ऐसे में एक दिन दूर देश से एक वैद्य राजा के महल में पहुंचा। देखने में वह वैद्य बहुत अजीब सा था। उसके कपड़े भी फटे पुराने थे। उसकी यह वेशभूषा देखकर महल के पहरेदारों ने उसे महल के अंदर जाने से मना कर दिया। वैद्य ने बहुत बार राजा से मिलने की गुजारिश करते हुए कहा कि वह राजकुमारी को ठीक कर सकता है, लेकिन किसी ने भी उसकी बात पर विश्वास नहीं किया। वह वैद्य बार बार अपनी बात दोहराता रहा, मेरी बात पर विश्वास करो, मैं राजकुमारी को ठीक कर सकता हूँ। ऐसे में अंत में सैनिक उस वैद्य को राजा के पास लेकर गए। वैद्य ने सबसे पहले राजा को अपना परिचय दिया और कहा, महाराज मैं आपकी बेटी को स्वस्थ कर सकता हूँ। राजा उसकी बात सुनकर बहुत प्रसन्न हुआ, लेकिन उसके फटे पुराने कपड़े देखकर राजा को उसकी बात पर विश्वास नहीं हुआ। उधर राजकुमारी की तबीयत दिन पर दिन बिगड़ती ही जा रही थी। उसी कारण राजा का प्रत्येक वैद्य पर से विश्वास टूट चुका था। लेकिन उस वैद्य का आत्मविश्वास देखकर राजा ने उसे एक मौका देने की सोची। तब राजा ने वैद्य से कहा, यदि तुम राजकुमारी को ठीक ना कर सके तो सजा भुगतने के लिए तैयार रहना। इस पर वैद्य ने कहा, ठीक है राजन, लेकिन यदि मैंने राजकुमारी को ठीक कर दिया तो मुझे क्या मिलेगा? राजा ने कहा, तुम जो बोलोगे तुम्हें वही इनाम दिया जाएगा। वैद्य ने कहा, सोच लो राजा, वायदा निभा पाओगे? विश्वासघात तो नहीं करोगे? राजा ने अपनी मूंछों पर हाथ रखते हुए गर्व से कहा, तुम निश्चित रहो, तुम्हें तुम्हारा मुंह मांगा इनाम जरूर दिया जाएगा। अब तो राजा उस वैद्य को लेकर राजकुमारी के पास गया। राजकुमारी बिस्तर पर बेजान सी लेटी थी। ऐसे लगता था मानो किसी ने उसका सारा नूर निकाल दिया हो। चेहरा दर्द में डूबा पीला पड़ गया था। वैद्य राजकुमारी के करीब पहुंचा और उसकी नब्ज टटोलने लगा। फिर उसने थैले में से जड़ी बूटियों में से तैयार दवा की एक पुड़िया निकाली और राजकुमारी के मुंह में डाल दी।
वैद्य ने राजा को आश्वासन देते हुए कहा, आपकी बेटी जल्दी ठीक हो जाएगी। वैद्य की बात सुनकर राजा रानी के मन में बेटी के ठीक होने की उम्मीद की एक किरण जाग उठी। ऐसे ही वैद्य को इलाज करते करते 2 महीने बीत गए। धीरे धीरे राजकुमारी की हालत में सुधार होने लगा, उसके चेहरे की चमक लौटने लगी, राजा रानी के चेहरे पर भी खुशी झलकने लगी। एक दिन वैद्य ने राजा से कहा, महाराज अब राजकुमारी ठीक हो गई है, यह 1 महीने की पुड़िया बनाकर मैं जा रहा हूँ, उसे समय समय पर राजकुमारी को देते रहना, इसके बाद राजकुमारी पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएगी, यह बीमारी दोबारा उसके पास भी नहीं फटकेगी। अगले दिन राजा ने वैद्य को अपने पास बुलाया और कहा, वैद्य तुमने राजकुमारी को बिल्कुल ठीक कर दिया है, वायदे के मुताबिक मैं तुम्हें तुम्हारा इनाम देना चाहता हूँ, बताओ तुम्हें क्या चाहिए। वैद्य ने फिर कहा, सोच लीजिए राजा जी, आप अपने वायदे पर कायम रह पाएंगे। राजा ने कहा, तुमने मेरी बेटी को ठीक कर दिया है, बोलो क्या मांगते हो। वैद्य ने मुस्कुराते हुए कहा, राजन मुझे इनाम में आपका आधा राज्य और राजकुमारी का हाथ चाहिए। वैद्य की बात सुनते ही राजा गुस्से में आग बबूला हो गया। उसने कड़कती आवाज में कहा, तुम होश में तो हो, अगर तुमने मेरी बेटी के प्राणों की रक्षा न की होती तो अब तक तो तुम यमलोक पहुंच गए होते। सिंह की तरह दहाड़ते हुए राजा ने सैनिकों को आदेश दिया, इस वैद्य को राज्य से बाहर निकाल दिया जाए। वैद्य कुटिलता से मुस्कुराते हुए महल से बाहर निकल गया। इस घटना को कुछ ही दिन बीते थे कि एक दिन फिर से राजकुमारी की हालत खराब हो गई, उसका शरीर नीला पड़ गया। आनन फानन में राज वैद्य को बुलाया गया। राज वैद्य ने राजकुमारी की नब्ज टटोली तो पता चला कि राजकुमारी को जहर दिया गया है और इस जहर का तोड़ किसी के पास नहीं है। कुछ देर के बाद राजकुमारी के पूरे शरीर में जहर फैल गया और राजकुमारी की मृत्यु हो गई। पूरे राज्य में मातम छा गया। राजा रानी शोक में डूब गए। राजा ने मामले की छानबीन करवाई तो पता चला कि उस वैद्य ने राजकुमारी को 1 महीने खाने के लिए जो पुड़िया दी थी उनमें से ही एक पुड़िया में जहर भरा हुआ था। दरअसल वैद्य को पहले से ही यह शक था कि राजा उसकी बात नहीं मानेगा, इसलिए उसने एक पुड़िया में जहर भर कर रखा था। वैद्य ने सोचा था कि यदि राजा उसकी शादी राजकुमारी से करवा देगा तो वह जहर वाली पुड़िया हटा देगा, लेकिन यदि राजा नहीं माना तो उसकी सजा राजकुमारी को भुगतनी पड़ेगी। और आखिरकार वैद्य की चाल कामयाब हो गई और राजकुमारी की मृत्यु हो गई। राजा ने वैद्य के साथ विश्वासघात किया था जिसका दंड उसे जीवन भर भुगतना पड़ा। धन्यवाद दोस्तों, अंत में इस कहानी का यही सार है कि यदि आपने किसी से वायदा किया है, किसी को वचन दिया है तो उसे पूरा अवश्य करना चाहिए। यदि हम किसी के साथ विश्वासघात करते हैं तो विश्वासघात का नतीजा सबसे ज्यादा यदि किसी को भुगतना पड़ता है तो स्वयं विश्वासघाती को भुगतना पड़ता है, अर्थात विश्वासघात अंत में आत्मघाती साबित होता है। इसलिए कभी भी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। धन्यवाद। और यदि आपको यह वीडियो पसंद आई है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें और मेरी ऐसी ही दूसरी वीडियोस को देखने के लिए रेड कलर के बटन को प्रेस कर मेरी इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को भी जरूर दबाएं ताकि मेरी आने वाली सभी वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको टाइम पर मिलती रहे। धन्यवाद। जय माता दी।